बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें टॉपिक देखना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन तो हम कर चुके हैं विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पल साइज 2 और सैम्पल साइज 3 के लिए। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन आपने देखनी है साइज 2 और 3 के लिए, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें बेसिकली प्रोपोर्शन आपके पास होती क्या, प्रोपोर्शन आपके पास होता है बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें एग्जांपल जैसे कि देखें, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं उसका हमने प्रोपोर्शन निकालना है वोटिंग। कुछ लोग देखें एक पार्टी को फेवर करेंगे बाकी रिमेनिंग के स्कोर को, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल। इस तरह से आप प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करेंगे, फेवरेबल और डिवाइडेड बाय टोटल। इस तरह से आपका जो है प्रोपोर्शन आता है। या फिर आप ये देख सकते हो कि आपके पास प्रोपोर्शन में बेसिकली टू पॉसिबल वेज हैं कि कुछ लोगों के घर में कलर टीवी है और कुछ के घर में नहीं है। इसका मतलब है टोटल जिनके घर में है या नहीं वो टोटल आ जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में आ जाएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल कैलकुलेट कर रहे हैं जिनके घर में टीवी है, ठीक है। प्रोपोर्शन में आपके पास बेसिकली टू वेज है किसी चीज़ के, एक तो येस होगा और एक नो होगा, ठीक है। अब आपको वो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि आप जो है येस की प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें या नो की, वो आपको मैंशन करेंगे। या फिर आप ये देख सकते हो कि अगर आपके पास ये नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके पास पॉपुलेशन होगी फॉर एग्जांपल। अब उन्होंने कहा कि आपने जो है इसमें सैम्पलिंग करें इसकी इवन नंबर की। अब इवन नंबर इसमें क्या है, एक तो आपके पास इवन नंबर है 2 और एक आपके पास है इवन 4। अगर आप सैंपल्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल विद रिप्लेसमेंट में, फर्स्ट सैंपल हो गया आपका 1, 1, सेकेंड हो गया 1, 2, नेक्स्ट हो गया 1, 3, इस तरह से 1, 4। अब सोन आगे आप बनाते जाएंगे, लेकिन अगर हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी थी इवन नंबर की तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमारे पास इसमें कोई इवन नंबर है ही नहीं तो ये 0 हो गया। इसमें हमारे पास एक इवन नंबर है आउट ऑफ 2 तो ये 1/2 हो गया। सेकंड वाले में हमारे पास इवन नंबर कोई भी नहीं, इसका भी 0 हो जाएगा। 1/4 वाले में भी हमारे पास इवन नंबर एक है तो ये 1/2 हो जाएगा। सो इस तरह से आप जो है इनकी प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फेवरेबल किसी पर्टिकुलर चीज़ को और डिवाइडेड बाई टोटल, किसी भी चीज़ के पॉसिबल दो वेज होंगे तो वो आपका प्रोपोर्शन आपने कैलकुलेट करना होगा वहाँ पे और उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी होगी। अब इसकी भी जिस तरह से मीन की दो प्रॉपर्टीज थी, इस तरह इसकी भी दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली मीन को और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरीफाई करना है। इसको ये सारा एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने समराइज फॉर्म में यहाँ करके आपको बता दिया। लेकिन फॉर प्रोपोर्शन विद रिप्लेसमेंट, अब आपने नंबर ऑफ सैंपल्स सेम उसी तरह से स्टेप्स निकालना है जिस तरह से आपने मीन के लिए कैलकुलेट किया था, n^n नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स इसी तरह से कैलकुलेट होंगे, सैंपल्स भी इसी तरह से बनेंगे, बस आपने यहाँ पे मीन की जगह पे प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी एज आ जाएगी म्यू पी इक्वल टू पी, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू और ये प्रोपोर्शन आपका सैंपल का। सेकेंडली और इसको आपने जो है पॉपुलेशन वाले को ऐसे कैलकुलेट करना होगा एक्स ओवर एन। नेक्स्ट अगर वेरिएंस की प्रॉपर्टी अगर आपके कोर्स में होती तो उसको ऐसे करना था। नेक्स्ट विदाउट रिप्लेसमेंट भी नंबर ऑफ सैंपल्स आपने बनाने होंगे, फर्स्ट स्टेप आपको पता यही होता है नंबर ऑफ सैंपल्स। अब ये भी इसी तरह से एन सी एन होगा जिस तरह से हमने मीन के लिए किया था, और इसकी भी दो प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। ये फैक्टर आपका एक्स्ट्रा है विदाउट रिप्लेसमेंट में, लेकिन ये आपको आपकी जो है मीन की बस प्रॉपर्टी है, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आपके कोर्स में नहीं है। एग्जाम्पल है 14.17, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल टू 6, उन्होंने बता दिया आपके 6 यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में, 1, 3, 6, 8, 9 एंड 12, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। अब आप उन्होंने साइज 3 का बता दिया कि इस तरह से सैंपल ड्रॉ करने हैं, सैंपल तो ड्रॉ आपने सेम उसी तरह से करने हैं जिस तरह से आप मीन के लिए करते थे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर, आपने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है इवन नंबर की, ठीक है। इसमें से जो इवन नंबर आते जाएंगे सैंपल्स के अगेंस्ट उनकी आपने प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। इन द सेम इन द सैंपल्स कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन एंड वेरीफाई दीज प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ सैंपल्स कैलकुलेट करने हैं तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट में हो गए आपके 20। नेक्स्ट आ जाएगा सैंपल्स किस तरह से बनाने हैं, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपने सैंपल्स बनाने हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर आपने करना है। सबसे पहले तो 1 को आपने फर्स्ट पोजीशन पे रखना है, नेक्स्ट उसके बाद आपके पॉसिबल वेज हो जाएंगे विदाउट प्लेसमेंट है इसलिए 3, 6, 3, 8, 3, 9,
12, नेक्स्ट 6 8, 6 9, 6 12, 8 9, 8 12, 9 12, ये सारे पॉसिबल वेज हो गए वन फर्स्ट पोजिशन पे, उसके बाकी सारे रिमेनिंग के पॉसिबल वेज। फिर वन को स्किप कर देना है, थ्री की बारी आ जाएगी, थ्री को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और नेक्स्ट उसके पॉसिबल वेज 3 8 6 8, 6 9, 6 12, 8 9, 8 12, 9 12 और 9 12, ये आपके थ्री के पॉसिबल वेज हो गए, थ्री को भी स्किप कर देना है। नेक्स्ट 6 आपने फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और इनके पॉसिबल वेज 8 9, 8 12, 9 12 और ये आपके 8 6 के पॉसिबल वेज, 8 के इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके ये देखेंगे सैम्पल्स बनते जा रहे हैं। ये सारे सैम्पल्स आपने बना लेने हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, ये वाला कॉलम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा प्रोपोर्शन का, उसमें तो आपका मीन का मैंने कहा था डायरेक्ट स्पेसिस पे आ जाएगा, यहाँ स्पेसिस पे डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको ये खुद करना पड़ेगा। आपने इवन नंबर का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, 1 out of 3, 1/3 आ गया। यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, 1 out of 3, यहाँ पे इवन नंबर कोई भी नहीं है तो 0 आ गया। यहाँ पे भी 1 है, 1/3, यहाँ पे कोई भी इवन नंबर 2 है तो 2/3 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1/3, नेक्स्ट यहाँ पे 2/3, इसके बाद 1/3, सो 2/3, इसमें भी आपके पास 1 है, 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 आ गया, इसके बाद 0, यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे 1/3, 3 8 12 के बाद आ गया 2/3। यहाँ पे एक सैंपल स्किप हुआ है, उसको आपने खुद से लिख लेना है। ये 20 सैंपल बन रही थी कि मैंने यहाँ पे गलती से 19 लिख दिया है, 3 8 12 के बाद यहाँ पे एक आपका एक और सैंपल आएगा 3 9 9 का पॉसिबल वेज भी तो आ जाएगा 3 9 12 और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन सॉरी 1/3। इस तरह से आपने ये वाला भी कर लेना है। अच्छा जी, ये आ गया, इसके बाद आ जाते हैं हम इस तरह से आपने जो सारे सैंपल्स बना लिए, अब लेकिन 6 8 12 इसमें सारे इवन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/3 1 हो जाएगी। ये सारे प्रोपोर्शन आपने कर लेनी है और इस प्रोपोर्शन को आपने एसपीएसएस में एंटर करना है। अब यहाँ पे मैं आपको फर्दर बता दूं कि अगर आपने देखें ये 1/3 तो एसपीएसएस में डायरेक्ट एंटर नहीं होगा, इसको आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि फर्स्ट वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 0.33। अगर 2/3 है तो ये हो जाएगा आपके पास 0.667। अब आपने एस पी एस में ये एंटर करना होगा 0.33, 0.33, 0, 0.33, 0.667, जहाँ पे 1 है 1, जहाँ पे 0.67 है वहाँ पे 0.67। सो वन आप एस पी एस में ये प्रोपोर्शन वाला कॉलम एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको फर्दर बताती हूँ आप क्या करेंगे इसके बाद। इसमें इस क्वेश्चन में जो बेसिकली मैनुअल काम आपका ज़्यादा है एक तरह से, ये वाली आपने कमांड यूज करनी है एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव्स में आपने प्रोपोर्शन वाले कॉलम को मूव कर लेना है और मीन स्टैंड एविएशन फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये स्पेसिस ये मैंने सारी वैल्यूज एंटर कर ली है और इसको डेसिमल प्लेस 3 तक रख लिया है, आप चाहें तो 4 तक करके 4 वैल्यूज भी एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट एनालाइज पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिक्वेंसेस पे पी को मूव किया, यहाँ से मीन और स्टैंड एविएशन को हाईलाइट कर लिया, कंटिन्यू एंड ओके। अभी आपके पास म्यू पी आ गया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू या प्रोपोर्शन, और ये स्टैंड एविएशन सिग्मा पी आ गया। अब आपने कैसे करना होगा नेक्स्ट, ये तो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया। इस पॉपुलेशन के लिए आपको ये बाई हैंड करना पड़ेगा, ये स्पेसिस में एंटर नहीं करेंगे आप 1 3 6 8 9 12। अब इसमें आपके पास इवन नंबर कौन कौन से हैं, 6 है 8 है और 12, 3 है out of 6, तो यहाँ पे आपका x ओवर n 3/6 आ जाएगा, इसको फर्दर आप 0.5 लिख सकते हो। और जो आपका एस पी एस एस से रिजल्ट आया था वो और ये दोनों वेरीफाई होकर आपस में इक्वल आ जाएंगे। देखिए एस पी एस एस का भी आपका रिजल्ट 0.48 का मतलब 0.5 अगर आप इसको 1 decimal प्लेस तक इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इस तरह से आपका जो है ये प्रूव हो गया कि प्रोपोर्शन यू पी के इक्वल है। सेकेंड प्रॉपर्टी को आपने ऐसे प्रूव नहीं करना है, तो बस यहाँ तक ही आपका है। पर दोबारा रिवाइज कर दूं कि आपने सबसे पहले तो सैंपल्स बनाने हैं, इन सैंपल्स को बनाने के बाद उनका प्रोपोर्शन खुद कैलकुलेट करना होगा, उसके जो प्रोपोर्शन आया है उसको एसपीएसएस में एंटर करना है,
और उसका मीन स्टैंडर्डाइजेशन निकाल लेना है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन के साथ डील करने के लिए पॉपुलेशन का बाय हैंड आप कैलकुलेट करेंगे एक्स ओवर एन फार्मूला के थ्रू। अगर आप इवन नंबर का कर रहे हो तो इवन, और अगर ओड का कर रहे हो तो ओड का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज से मार्क करवा दूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको n की यूनिट्स गिवन है, सैंपल साइज 3 है और उसका आपने प्रोपोर्शन करना है। आपने सैंपल साइज 2 के भी एक दो क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब इसमें आपने करना है प्रोपोर्शन इवन नंबर का। 14.48 में आपका सैंपल साइज 3 है, पॉपुलेशन का 7 है और इसमें भी आपने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। तो ठीक है, ये भी आप प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन दो तो ये हो गए, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन है 14.26, इसका आपने ये जो सैंपल्स ले लेने हैं, इसका 2, इसका चिल्ड्रन का साइज है, सैंपल साइज 2 है, पॉपुलेशन का साइज 5 है और आपने इसमें कैलकुलेट करना है ओड नंबर की जो है, बेसिकली आपने इसमें कैलकुलेट करनी है ओड नंबर की आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। आपने ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके दिखाना है मुझे। मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ, सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सैंपल्स बनाने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, अगर विद रिप्लेसमेंट बना रहे हो, विदाउट रिप्लेसमेंट बना रहे हो, सैंपल साइज 2 है या 3 है उसके मुताबिक आपने सैंपल्स बनाए, उसकी उसके अगेंस्ट उसकी प्रोपोर्शन कैलकुलेट की, उस प्रोपोर्शन को आपने एसपीएसएस में एंटर किया और मीन और स्टैंडर्डाइजेशन आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आपका प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोपोर्शन होगा। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के लिए आपने जो है पॉपुलेशन को लिख लिया और उसका ये फार्मूला होता है एक्स ओवर एन। एक्स इसमें है कि अगर आप इवन नंबर की कैलकुलेट कर रहे हो तो इवन, अगर ओड की कैलकुलेट कर रहे हो तो ओड की। अब यहाँ पे अगर इवन की कर रहे हो तो 3/6, ओड की कर रहे हो तो वो भी 3/6 होगी। इस तरह से आप दोनों को आंसर्स को मैच कर लेंगे और आप प्रूव कर देंगे कि दोनों आंसर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉपुलेशन का इक्वल है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।